इस वाली क्लास इंटरवल में 86 इंक्लूडेड नहीं होगा इस वाली में 88 इंक्लूडेड नहीं होगा एंड सो ऑन ठीक है जी तो नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है वो टेबल बनाने के बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे देख लो 84 से छोटा तो हमारे पास और कोई नहीं है ना सो so, 84 से छोटा कोई नहीं है तो यही हमारा फर्स्ट इंटरवल होगा सो so एटी से एटी सिक्स से एटी अब नेक्स्ट क्या होगा 86 से यहाँ पे देखो कितने का गैप था 84, 85, 86 एक का गैप था मतलब 86, 87, 88 क्लियर देन 88, 89, 90 मैक्सिमम देख लो मैक्सिमम नंबर क्या है 98 है हमारे पास 98 से बड़ा कोई है आई थिंक नहीं है तो लास्ट हमारा यही होगा आ जाते हैं इस पे 90 देन 90 से 91 छोड़ा 92 92, then 93 छोड़ा 94, then 94, 95 छोड़ा 96 96, 97 छोड़ा 98. अभी 98, 98.3 है सो so, यहाँ पे तो 98 भी नहीं ने, 98.3 नेक्स्ट वाले में आएगा सो so, ये हो गया जी 98, 99, 100. ठीक है जी क्लास इंटरवल में आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से हमारी क्लास इंटरवल आ गई अब आते हैं अब यहाँ पे काउंट करने में सो so, हाइलाइटर ले लेते हैं सबसे पहले तो सो so, फर्स्ट हमारी क्लास इंटरवल है 84 से 86 सिक्स दैट मीन 84. फोर एटी फोर पॉइंट एनी थिंग तक एटी सिक्स तक एटी सिक्स इंक्लूडेड नहीं होगा मतलब अगर एटी फाइव पॉइंट नाइन भी है तो हम लेंगे, 86, नहीं लेंगे तो एटी सिक्स से छोटे देख लो कौन कौन से हैं यहाँ पेटी फोर पॉइंट नाइन वन और देखो 86 से छोटा कौन सा एटी सिक्स किस में जाएगा नेक्स्ट में क्योंकि 86 से बड़ा है और यहाँ पे हमारे पास कोई है 86 से छोटा कोई भी नहीं है दैट मीनस ओनली वन सो यहाँ पे हमने लिख लिया ठीक है 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 और पे से 88. 86 से 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 अब का क्या मतलब है? पहले तो ये देखो 86 से 88 means 86 से कोई भी बड़ा एंड 88 से छोटा तो 88 से छोटे देखो कौन से हैं और 86 से बड़े से छोटा हमारे पास यहाँ पे इसमें लाइक करेगा So one, and इसके अलावा हमारे पास है कोई एटी सिक्स से छोटा नहीं तो दैट मीनस ओनली वन अगेन सो जी वापस आ जाते हैं अपने पेन पे ये हो गया यहाँ पे भी वन ठीक है नेक्स्ट है एटी एट से नाइन्टी मतलब नाइनटी से छोटा छोटा हमें लेना है तो सो so, हाइलाइटर ले, ले लेते हैं अपना कलर चूज किया अब हमें लेना है लेनाटी से छोटे छोटे ये हो गया एटी नाइन पॉइंट टू और हमारे पास यहाँ पे और कोई है वी हैव एटी नाइन ठीक है ये दोनों आ जाएंगे सो वी हैव पे लिख लेते हैं दो मिले हैं हमें इधर आ जाएंगी दो लाइंस नेक्स्ट है 90 से 92, मतलब 92 से मतलब छोटे छोटे so, सो मार्क करते हैं नाइनटी टू से छोटा देखो कौन सा नाइनटी टू पॉइंट थ्री नेक्स्ट में जाएगा नाइनटी टू पॉइंट वन अगेन ये सब नाइनटी टू से बड़े हैं हमें नाइनटी टू से छोटे देखने जैसे नाइन्टी पॉइंट थ्री 90.2 इसके अलावा हमारे पास अगेन 92.7 नेक्स्ट में जाएगा और 92.9 अगेन नेक्स्ट में और हमारे पास कोई भी नहीं है दैट मींस टू और यहाँ पे भी आ गया टू ठीक है जी अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे अगेन ले हाइलाइटर ले लेते हैं सो so अब 92 से 94 मतलब 94 से छोटे छोटे सो so 90 ये सब 94 से बड़े हैं ये 94 से छोटा है ये भी 94 से छोटा है

96 मतलब 96 से छोटे कौन-कौन से हैं तो जी यहाँ पे लिया हमने हाइलाइटर अब मार्क करते हैं 96 से छोटे-छोटे सो so देखो जरा ये 96 से बड़ा है ये सब 96 से बड़े हैं ये हो गया एंड दिस इज आल्सो लेस देन 96 ये भी और 96 से छोटा हमारे पास कौन सा है ये हो गया ये भी 96 से छोटा है देन ये है दैट मींस 1 2 3 4 5 6 सिक्स हो गए हमारे पास सो वील राइट सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्लियर जी नेक्स्ट है नाइंटी सिक्स से नाइन्टी एट मतलब नाइनटी एट से छोटे छोटे हमें लेने सो so, जी नाइनटी एट से छोटा देखो कौन कौन सा है नाइन्टी एट से बड़ा है ये वन अगेन टू अगेन ये नाइन्टी एट से बड़ा है ये छोटा है ये छोटा है ये ये 98 से छोटा है दिस इज ऑल्सो लेस नाइनटी एट ये भी नाइनटी एट से छोटा so हाँ, so so लिख दिया सेवन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन क्लियर है जी नेक्स्ट है 98, अब बच्चे सारे नाइनटी एट से हंड्रेड के बीच में ही होंगे सो वी है यहाँ पे लिख देते हैं फोर अगेन वन टू थ्री फोर अब इसको काउंट कर लेते टोटल कितना होना चाहिए का था that means 30 होना चाहिए अगर हमने कोई miss नहीं किया थर्टी सो जीरो जी दैट मीन्स कोई मिस नहीं हुआ सो so, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा तो देख लेते हैं सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट अब यहां पर देख लो ह्यूमिडिटी तो ज्यादा कब होती है यूजली रेनी सीजन में सो रेनी सीजन हो सकता है ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द रेंज ऑफ दिस डाट डेटा अब रेंज क्या होता है जब भी आपको रेंज निकालना होता है सो हम क्या करते हैं हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट अब यहां पर हाइएस्ट नंबर देखो कौन सा हाईस्ट है हमारा नाइंटी नाइन शायद था एक हीरा नाइन्टी नाइन पॉइंट टू सो दिस इज दाइएस्ट दैट मीनस नाइंटी नाइन पॉइंट टू में से माइनस करना पड़ेगा लोएस्ट अब लोएस्ट देखो कौन सा है एटी नाइन है एटी नाइन अच्छा एटी सिक्स भी है हमारे पास एटी फोर भी है छोटा so, कौन सा एटी फोर से छोटा मुझे नहीं दिख रहा 80. 84 से छोटा कोई नहीं है दैट मींस एट हो गया एट माइनस फोर फोर नाइन माइनस एट सो दैट मींस रेंज ऑफ दिस डेटा इज फोर्टीन पॉइंट थ्री